पश्चिम बंगाल में डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है। सारा यूरिया पोटाश डीडीटी जो डाला सब ऊपर से लेके आया था कादो कादो, तो वहाँ पे ना एक और गड़बड़ी हो जाती है। पानी की कमी नहीं होती, उपजाऊ तो हो गया लेकिन अब आप बताएंगे हमें कि डेल्टा उपजाऊ होगा या नहीं। हाँ, कैसे पता? पूरे रास्ते में जितने राज्य आए थे, जहां जहां बाढ़ का पानी गया था, ऊपरे का काच के लाया था, ऊपरे काच के लाया था। दूध में ऊपर काछेंगे मलाई, दही में ऊपर काछ लेंगे छाली पूरा बड़का, खेत में ऊपर काछ देंगे, सारा यूरिया पोटाश डीडीटी जो डाला सब ऊपर से लेके आया था, सब जगह से बकोट के ले आता है, कहां जमा कर देता है? डेल्टा। डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है, डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अब बताइए, जैसे यहां एक डेल्टा है, एक और नदी आ जाए यहां से, ऐसे इहो ले आके यहां डेल्टा जमा कर दे, तो यहां बहुत सारी वितरिकाएं हो जाएंगी, अब बहुत सारा डेल्टा भी हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा, वितरिका भी हो जाएगा, तो यहां डेल्टा का ढेर लग जाएगा। तो बंगाल में दो दो को नदियां जल जाती है, एक उधर से आती है चाइना से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर उत्तराखंड से गंगा नदी, और दोनों कहां चल जाती है? बंगाल में। तो वहां बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा बंगाल में देखने को। वो डेल्टा शुरू होता है भारत से और जाता है बांग्लादेश तक, इतना ज्यादा जगह 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 क्या बने हैं सब डेल्टा, और बीच बीच से क्या निकली हैं? वितरिकाएं। वो नदी तो बची नहीं, वो तो शाखाएं हो गई हैं, तो बीच से क्या निकलेगी? वितरिकाएं। और चारों क्या रहेगा? डेल्टा। तो डेल्टा में पानी की कमी होगी क्योंकि बीच बीच से क्या जा रही है? वितरिका। वितरिका नाली जैसे हो जाती है, कुछ क्लासरूम बराबर, कोई इतनी छोटी, कोई जैसे जैसे मिला निकल गई यहाँ पे, अब वहां कादो कादो रहेगा, कीचड़ टाइप का कादो कादो, तो वहां पे ना एक और गड़बड़ी हो जाती है। पानी की कमी नहीं होती है लेकिन चूंकि वह पानी समुद्र के करीब आता है तो पानी थोड़ा नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है, नमकीन, तो हर एक पेड़ पौधे नहीं निकल पाते हैं वहां, हर एक पेड़ पौधे नहीं निकल पाते हैं डेल्टा के पास में। उपजाऊ तो होगा यहाँ पर, खेती के लिए भी ठीक है, लेकिन डेल्टा का अगला भाग उतना उपजाऊ नहीं होगा। तो बंगाल में डेल्टा के पास एक पेड़ निकलता है जो खारे पानी में हो सकता है, उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष। थोड़ा भी सुंदर नहीं लगता है दिखने में, नाम से क्या मतलब? तुम भी किसी को परी बोलता होगा, नाम से क्या होता है? पता, ये सब का भी नाम रख दे, श्याम सुंदर। तो क्या है वो? काला टी शर्ट, कोई दिक्कत? सफेद टी शर्ट, कितना अच्छा है, ग्रेनाइट एकदम। तो सुंदरी वृक्ष के कारण इस डेल्टा का नाम हो गया सुंदर वन का डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल।